एटमॉस्फियर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फियर। अब अर्थ के चारों तरफ एक गैस की लेयर है जिसे बोलते हैं एटमॉस्फियर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये जो बहुत पतली ब्लैंकेट बोलेंगे, एक चादर है जो एयर की, ये सबसे मुख्य हिस्सा है प्लैनेट का। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर दैट वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। ये वो है एयर जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, साथ ही साथ जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं सन रेज के, यानी जो सूरज की किरणों से हमें नुकसान हो सकता है उससे भी हमें ये बचाती है। द एटमोसफियर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। ये जो एटमोसफियर है यानी ये जो गैशियस लेयर्स का एक ब्लैंकेट है, ये लगभग 1600 किलोमीटर तक का हाइट कवर किए हुए है। द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब एटमोसफियर को भी हम 5 हिस्सों में बांटते हैं, 5 हिस्सों में उसके कंपोजिशन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से या उसकी और जो प्रॉपर्टीज हैं। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। अब अर्थ के सरफेस से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो अर्थ सरफेस के आती है वो आती है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, देन है मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड फाइनली आती है एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फियर इज कंपोज्ड मेनली of nitrogen and oxygen which make up about 99% of clean dry air. अब ये जो atmosphere है इसमें mainly nitrogen और oxygen है जिसकी वजह से हमें लगभग 99% clean यानी साफ और सूखी हुई हवा मिलती है। Nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases like carbon dioxide, argon and others comprises 1% by volume. सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद है 21% आपकी ऑक्सीजन और फिर बाकी गैसेस आती हैं जो लगभग 1% वॉल्यूम का हिस्सा कवर करती हैं। उसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ विच नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन जो है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, जबकि नाइट्रोजन जो है ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होती है उनको ग्रो करने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन अ माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड खाली 1% वॉल्यूम के हिसाब से ही अवेलेबल है, लेकिन तब भी वो क्या करती है, जो भी हमारी जनरली हीट निकलती है अर्थ से उसको एब्जॉर्ब करती है और इसी वजह से हमारे प्लैनेट को गर्म रखती है। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये जो है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फियर वेरीज विद द हाइट। अब जो एटमॉस्फियर की डेंसिटी है वो उसके हाइट के वेरिएशंस पर डिपेंड करती है। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फियर वेरीज विद हाइट। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के साथ वेरी करती है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। ये सी लेवल पे सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वो कम होती जाती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। क्योंकि जब आपने देखा होगा ये लोग जो पर्वतारोही होते हैं, ये जब भी क्या कहते हैं माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं या एडवेंचर के लिए जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। उसका रीजन क्या है कि ऊपर जाते जाते एयर की डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स, और उनको इसी वजह से अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने पड़ते हैं जब वो बहुत ऊंचे पहाड़ियों पर जाते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर भी कम होता जाता है। द एटमॉस्फियर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फियर का जो पूरा प्रेशर है वो अर्थ पे है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इसका भी चेंज कैसे होता रहता है प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर।
अब कहीं पे हाई प्रेशर होता है एरियाज में, कहीं पे लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और ये जो घूमती हुई हवा है इसको हम विंड कहते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर को हम एक बहुत बारीक हिस्सा मानते हैं जो कि लैंड वाटर एयर के बीच का कॉन्टैक्ट बनाए हुए है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। यही वो हिस्सा है जहां पर हमारे को जिंदगी मिलती है। हम जब कहते हैं हमारे इस पूरे एरिया में लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, तो ये तीनों जो आपस में जुड़े हैं इसी से हमें लाइफ मिल रही है और इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। There are several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. अब हमारे इसी प्लैनेट पे कई वैरायटी मिल जाएंगी ऑर्गेनिज्म की, कई स्पीशीज मिल जाएंगी जो कि साइज में भी डिफरेंट होंगी। एक छोटा सा माइक्रोब होगा, बैक्टीरिया है, तो कहीं हमारे पास बहुत ह्यूज मैमल्स हैं जैसे एलिफेंट है, पहले डायनासोर्स हुए थे, तो कितने सब चीजें जो है वो इस पर एग्जिस्ट करती हैं ड्यू टू बायोस्फीयर। क्यों? वही हमारे को लाइफ देता है। All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. जितने भी living organisms हैं, चाहे हम humans ही क्यों ना हो, हम सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और biosphere से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें life जीनी है और हमें अपनी life को जीने के लिए इन तीनों elements का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The organism in the biosphere may be broadly divided into the plant kingdom and the animal kingdom. अब ये जो organism है biosphere के, इनको हम दो parts में divide कर सकते हैं, plant kingdom में और animal kingdom में. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. ये जो हमारे तीन main domain है earth के, ये एक दूसरे के साथ interact यानी mix भी होते हैं और एक दूसरे से इस तरह से affect करते हैं, यानी कि हम अगर ये तीनों डोमेन्स आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ उसका असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लेड टू द फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फॉर स्लोप्स। अब जैसे अगर कहा जाए कि हम जंगलों को काटते चले जाएं क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए अपनी जरूरतों के लिए, या हम खेती के लिए जमीन को साफ करते चले जाएं, तो उससे क्या होगा? जो स्लोप्स पे सॉइल है वो बहुत जल्दी रिमूव होने लग जाएगी। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक। उसी तरह से अर्थ की सरफेस पे भी चेंज आने लगेगा, नेचुरल कैलामिटीज होने लग जाएंगी जैसे कि भूकंप आना। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपनिंग इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। या हो सकता है कि जमीन धंसने लग जाए जैसे कि अभी सुनामी में हुआ था रिसेंटली। Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. कुछ parts हैं जो Andaman and Nicobar Island के वो पानी में डूब गए हैं। Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. अगर हम waste material को नदियों या तालाबों में निकालते रहेंगे तो उससे क्या होगा? वो पानी भी जो है human use के लिए खत्म होने लग जाएगा धीमे धीमे, और उससे और भी जो लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय होगी और उन पे भी असर आएगा। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। जो कुछ भी फैक्ट्रीज से निकलता है या थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, ये जो धुआं होता है ये एयर को गंदा करता है, पोल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है हवा का। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेड टू द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। उससे क्या होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसी वजह से कहा जाता है
कि जितने भी अर्थ के रिसोर्सेज हैं जिनको ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करते हैं उसकी एक सीमा रखो ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे। जो भी हमारे ये तीन पार्ट्स हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इनका भी एक बैलेंस होता है। अगर हम किसी चीज़ की अति में इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूसरे न किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पर या पार्ट पर असर पड़ता है। तो चीज़ें इस तरह से लिमिट में इस्तेमाल करनी चाहिए कि तीनों चीज़ों पे या तीनों डोमेन्स पे जो अर्थ के हैं उसमें बैलेंस बना रहे। तो बच्चों, चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।